हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पाई कंपटीशन पे। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएड एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, तो आइए हम इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में जो टीचर लर्निंग इन एनवायरनमेंट से पूछा गया था, विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, जो 25 नंबर का क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ग में अभिप्रेरण की चाबी है। ऑप्शन ए विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ, ऑप्शन बी है शिक्षक का व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है वर्ग कक्षा में भावनात्मक वातावरण, ऑप्शन डी है वातानुकूल पाठ्यचार का अनुभव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विचार निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा। ऑप्शन ए है संक्षेपीकरण, ऑप्शन बी है विभेदीकरण, ऑप्शन सी है अनुभवीय, ऑप्शन डी है समन्वयीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक विकास एक अनिवार्य विषय है। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, ऑप्शन बी है सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवस्था एवं किसी उद्देश्य की आंतरिक एकता, ऑप्शन डी है सामाजिक कौशल का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने में सर्वाधिक संतोष का विषय है। ऑप्शन ए समाज के प्रति सेवा भाव, ऑप्शन बी बच्चा के विकास में योगदान की भावना, ऑप्शन सी बच्चे के साथ पारस्परिक प्रेम भाव, ऑप्शन डी एक बच्चे के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा के अनुसार अनुशासन डेस्क से संबंध रखता है। ऑप्शन ए आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाला कानून, ऑप्शन बी रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका, ऑप्शन सी वर्ग को नियंत्रित करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना, ऑप्शन डी छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन ए समय का पाबंद होना, ऑप्शन बी निरपेक्षता, ऑप्शन सी अनुशासन प्रियता, ऑप्शन डी प्रभुत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए मनोवृत्ति, ऑप्शन बी अवधारणा, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी कौशल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति ए। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि ऑप्शन ए वे असुरक्षित हैं, ऑप्शन बी उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, ऑप्शन सी यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी वे गरीब होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन आता है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है देखकर, ऑप्शन बी है पढ़कर, ऑप्शन सी है सुनकर, ऑप्शन डी है स्वयं से करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्र सबसे अधिक सीखते हैं स्वयं से करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधि का मुख्य उद्देश्य डैश है। ऑप्शन ए है छात्र के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, ऑप्शन बी है कक्षा के दैनिक कार्यकलाप से मुक्ति, ऑप्शन सी पूर्ण पाठ कार्य जगत से छात्र को परिचित कराना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की अस्थापन संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड का सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण देना चाहिए, ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार की सहायक पाठन सामग्री का व्यापक उपयोग, ऑप्शन डी विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रथम उत्तरदायित्व डैश के प्रति, ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी पढ़ाए जाने वाले विषय, ऑप्शन डी विद्यालय के अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र के प्रति उनका उत्तरदायित्व प्रथम है। उसके बाद आता है ब्रेल डैश पर आधारित है। ब्रेल जो विधि रहती है वो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिंदियों द्वारा रेखाओं, ऑप्शन सी उभार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ये उभार द्वारा होगा।
अगला क्वेश्चन है, सीखना डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्रतिभा, ऑप्शन बी माता पिता को की मनोवृत्ति, ऑप्शन सी है सहकर्मी मनोवृत्ति, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आता है, नए विषय का पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश आना या होना चाहिए। ऑप्शन ए विषय का सर्वांगीण ज्ञान, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विषय के महत्व की व्याख्या, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, ऑप्शन डी शिक्षक की स्वयं की रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विषय का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए। ऑप्शन ए अतीत में विद्यालय की समान संस्कृति, ऑप्शन बी छात्रों की रुचि प्रयोजन एवं उद्देश्य, ऑप्शन सी शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन डी विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्यपुस्तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर समानता शिक्षक डैश करें। ऑप्शन ए बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक अथवा स्वयं संदर्भ ग्रंथ का निर्देशन, ऑप्शन सी दूसरे बच्चों को वही प्रश्न उत्तर के लिए देना, ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का डैश मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए हो गया पठन पाठन का अनुकूल वातावरण, ऑप्शन बी हो गया विद्यार्थियों का उचित आचरण, और अगला ऑप्शन आता है आपका कक्षा में शांत व्यवस्था, अगला ऑप्शन है विद्यालय में आत्म अनुशासन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा विद्यालय में आत्म अनुशासन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है, हमारा विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है। ऑप्शन ए जांच परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन बी आपका आ जाता है प्रदर्शन की पर्यता की जांच, ऑप्शन सी आ जाता है विकास का मापन, ऑप्शन डी आ जाता है श्रेणी निर्धारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेणी निर्धारण। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षक के लिए पाठन सामग्री को प्रोत्पक बनाने के लिए डैश आवश्यक है। डैश ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ सामग्री को जोड़ना, ऑप्शन बी इस तरह से प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सके, ऑप्शन सी पाठ सामग्री की सुव्यवस्थित प्रस्तुति, ऑप्शन डी पाठ की स्वधारण एवं विस्तार के साथ व्याख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से। ऑप्शन ए कानूनी प्राधिकार, ऑप्शन बी वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना, ऑप्शन डी माता पिता के समतुल दर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। ऑप्शन ए है डिस्क्रेसिस, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है डिसपैल्सिया, ऑप्शन डी है डस्कैल्कुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण संस्था में अच्छा पदाधिकारी वह है जो डैश। ऑप्शन ए है अच्छे शिक्षण संस्था में प्रशासन एवं उसके सिद्धांत को कार्यवाही से लागू करना जानता है, ऑप्शन बी है विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है एवं दुर्व्यवहार और दुराचरण से समझौता नहीं करता है, ऑप्शन सी हो गया अपने दृष्टिकोण में लचीला सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता, ऑप्शन सी हो गया छात्र, ऑप्शन डी हो गया छात्र एवं कर्मचारी को कार्य स्वतंत्रता एवं उसके कार्यों में नगन हस्तक्षेप करता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्षण निकालने में निम्नलिखित पद्धतियों में कौन उपयुक्त है। ऑप्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग विधि, ऑप्शन बी है डिडक्टिव रीजनिंग विधि, ऑप्शन सी है सर्व विधि, ऑप्शन डी है डिस्कवरी विधि। तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी परिकल्पना, ऑप्शन सी पद्धति, ऑप्शन डी परिणाम या निष्कर्षण। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।